हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 7 पार्ट 5. इन दिस यू आर गोइंग टू नो अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इंडियन रेलवेज. ओके, एंड वाटरवेज वी हैव स्टडीड. सो टुडे वी विल टेक अ न्यू दैट वॉज एयरवेज. एयरवेज के बारे में अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एयरवेज. टुडेज एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल दो एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसा अपना एयरवेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट्स फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल. ये बहुत ही फास्टेस्ट है एंड कंफर्टेबल है. अगर आपको कहीं पर जाना है एंड यू वॉन्ट टू बी रीच वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जाना है, सो इट्स अ वेरी इट्स वेरी बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो मोस्टली इसको नहीं इसको इससे ज़्यादा जाते हैं. बट अगर आपको बहुत जल्दी जाना है, देन यू कैन गो इन. यहाँ पे आपको 3 या 4 घंटे लगते हो, वहाँ आपको आधे घंटे में इजीली आप एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं. एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल भी है. इसके अंदर आप बहुत ही कम्फर्ट जोन में रहते हैं. इसमें ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई थकावट होती है. सो यू कैन रीच वेरी इजीली. It can cover mountains, deserts, thick forests and ocean stretches. With ease. अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है एयरवेज का, वो हमारा माउंटेन्स, डेजर्ट, थिक फॉरेस्ट, ओशन स्ट्रेचेस, सब कुछ हर एक चीज़ को कवर करते हैं. आप एयरवेज के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं. चाहे माउंटेन एरिया में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो वेरी इजिली विद दिस ट्रांसपोर्टेशन. चाहे डेजर्ट एरिया में जाना हो या बहुत थिक फॉरेस्ट है वहाँ आपको जाना है किसी रीजन से, या ओशन में आपको कहीं किसी जगह पे उतरना है, देन इट इज़ वेरी इजी एंड कंफर्टेबली यू कैन रीच देयर. सी द एरोप्लेन्स आर स्टैंडिंग हियर, यू कैन सी इट. Air traffic can be adversely affected by rough weather conditions like storms, fog, etc. हमारा जो air traffic है वो affect करता है by rough weather. Rough weather means कि जिस तरह की कोई आंधी तूफान आ रहा हो, या आंधी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो, या fog हो, जैसे आपका कोहरा छा जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा problem होती है. Yet it is the best mode to reach in accessible areas. जबकि ये जो है mode है, it's very सबसे बेस्ट मोड होता है, जिसमें कि ज़्यादा ना तो टाइम आपका वेस्ट होता है, आप बहुत ही जल्दी से वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं. तो ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही इनएक्सेसिबल है. सो इट्स एरिया वेयर नो रोड्स एंड रेलवेज लिंक. इवन कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ में भी ईजिली पहुँच सकता है, मतलब जो हमारा एरोप्लेन है. आपने देखा होगा जहाँ पर कि रोड्स का, रेलवेज का लिंक नहीं है, बट हमारा जो एरोप्लेन है, दैट इट कैन बी रीच देयर वेरी इजीली. इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन टाइम्स ऑफ कामतीज़. अब जिस टाइम पे कामतीज़ वगैरह आते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी महामारी होगी है, यानी कि या कोई फ्लड आ गया है, या अर्थक्वेक आने की वजह से कुछ ऐसा डिज़ास्टर वहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया, तो इन दैट केस हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो इन चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि ईजिली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जो खाने का सामान है वो इजीली आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं. सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कामतीज एंड डिज़ास्टर, एंड कैन बी यूज फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड डिस्टर्बिंग इसेंशियल स्टफ लाइक फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा. तो ऐसे टाइम में ये है कि आप फूड वगैरह या खाना वाना हमें पहुँचाना है, तो वो हम ईज़िली वहाँ पर पहुँचा सकते हैं. जैसे मेडिसिन है, फूड पहुँचाना है, या कुछ कपड़े वगैरह हमें पहुँचाने हैं. मान लीजिए कहीं कोई डिजास्टरस प्लेस है जहाँ पे डिज़ास्टर हो गया है, तो हम उसके लिए वहाँ पे इस तरह का हेल्पफुल काम इन एयरवेज के थ्रू हम कर सकते हैं. एयर सर्विसेज आर ऑफ टू काइंड्स, डोमेस्टिक एयरवेज विच फ्लाई विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. अब एयरवेज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो डोमेस्टिक होते हैं और दूसरा इंटरनेशनल. और डोमेस्टिक में क्या होता है कि वो अंदर ही, मतलब अंदरूनी हमारा एक कंट्री के अंदर ही अंदर ये फ्लाई कर सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड बाउंड्री होती है हमारी कंट्री की उसमें. और जो इंटरनेशनल एयरवेज होता है वो जो है बाहर के, यानी दूसरे कंट्रीज़ के सिटीज़ से, मतलब वो मेजर सिटीज़ जो होते हैं वहाँ से कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो है वो एक इधर से दूसरी जगह पर इजिली आ जा सकते हैं.
The Indian Airlines and the Air India are the two airline services run by the government. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि that हमारे जो government है, सरकार है, उनके तरफ से दो हैं ऐसे airways, मतलब जो कि airlines में, मतलब हमारा एक तो द इंडियन एयरलाइंस के नाम से और दूसरा एयर इंडिया के नाम से दो एयरलाइन सर्विसेज हैं जो कि हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो प्रोवाइड करवा रही है हमारे इंडिया में. देर आर मैनी अदर प्राइवेट एयरलाइंस इन इंडिया सच एज इंडिगो, जेट एयरवेज एक्सेट्रा. जबकि हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट जेट, प्राइवेट भी उड़ते हैं जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जो एयरलाइंस हैं हमारे इंडिया की, दैट इज उसका नाम है इंडिगो एंड जेट एयरवेज. चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की. लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन. अब तक हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन ऑल्सो. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड आइडियाज. अब कम्युनिकेशन का मतलब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि दैट इट्स का मतलब होता है कि हमें किसी मैसेज को भेजना और रिसीव करना है, या उनके जो भी आइडियाज हैं. सिंस टाइम इमोरियल डिफरेंट मीन्स हैव बीन यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विच इंक्लूड यूजिंग बर्ड्स एंड ह्यूमन टू सेंड मैसेजेस. जबकि हमारा जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हुआ तो ह्यूमन बींग्स का जो है कम्युनिकेट करने का तरीका अपने टाइम टू टाइम बदलता रहा. जैसे कि स्टार्टिंग में आपको शायद ध्यान होगा कि बर्ड्स के थ्रू, यानी कुछ ऐसे बर्ड्स थे जैसे इसके अंदर हमारा जैसे कबूतर के थ्रू या ये ईगल के थ्रू हम लोग मैसेजेस सेंड किया करते थे उस दौरान. तो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसके पैर में एक चिट्ठी बांध देते थे और उसको बोल देते थे, उसको गाइड करके रखा होता इनको, पक्षियों को, बर्ड्स को, कि वो वहीं पर जाके उसको लेटर को देकर आते थे. तो उसके बाद फिर सोचिए कि इस तरह का जो मैसेजेस सेंड करने का तरीका उस टाइम पर था, बाद में ये फिर धीरे धीरे और इसके अंदर चेंजेस आते रहे. बट विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बीन मार्वलस. अब क्योंकि डेवलप हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ दैट कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एकदम से एक अलग से ही चेंजेस आए. दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, रडार एंड कंप्यूटर्स हैव टोटली रेवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम. अब क्या था कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इसके बाद जो है हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का जब इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद में जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब और मतलब आगे जब वर्किंग में, देन आफ्टर दैट कंप्यूटर के आने के बाद तो बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइज हो गया. जैसे कि पूरा चेंजेस आ गए हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में. लोग ईमेल्स के थ्रू, या रेडियो के थ्रू पूरे दुनिया में अगर कोई समाचार देना, अब आपको कोई न्यूज़ पहुँचानी है, देन इट इज़ वेरी ईजी टू सेंड थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न. इट्स अ वेरी ईजी टू सेंड मैसेजेस थ्रू दिस. सो इस तरह की चीज़ें हमारी यूज़ की जाने लगी इन कम्युनिकेशन. पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, टेलीफोन्स, ई मेल्स एक्सेट्रा आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब क्या है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज इन टेलीफोन, जैसे कि हमारे जो टेलीग्राफ, जैसे पोस्टमैन के थ्रू कोई चिट्ठी को पहुँचाना यहाँ से वहाँ, या टेलीफोन्स के थ्रू, ई मेल्स के थ्रू, ये हमारा जो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किया जा सकता था. विच इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन अ फ्यू पीपल्स, जिसके अंदर कि आप कुछ लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकते थे. थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न एंड फिल्म्स, कम्युनिकेशन विद सेवरल पीपल कैन हैपन साइमल्टेनियसली. अब क्या है कि इसके अंदर जैसे आपको बहुत ज़्यादा लोगों को, अगर एक साथ आपको बहुत सारे लोगों को, पीपल्स को, आपको कोई मैसेज देना है, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई मैसेज देना होता तो वो क्या ईजिली टीवी या रेडियोज़ पर वो अपना मैसेज सेंड कर देते हैं और लोगों तक इजीली पहुंचा देते हैं. दिस इज़ अ टर्म एज मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया एंड इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. तो इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी लोगों से, बहुत सारे लोगों को इसे एक साथ कम्युनिकेट करना, और मास मीडिया या मीडिया के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना. एंड इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल. और यही एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू एंटरटेनमेंट, थ्रू शॉर्ट फिल्म्स. यू हैव सीन सो मैनी, जैसे जो कि एजुकेशनल मूवीज वगैरह कुछ होती हैं जो कि जिसके थ्रू आप लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज़ नाउ बिकम फार ईजियर विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर. अब ये कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कोई दूसरे शहर में रह रहा है या बहुत दूर कहीं पर रह रहा है, तो आप ईजिली उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल फैसिलिटीज़. और उससे हम कोई भी मैसेज हमें कोई भेजना है या कोई लेटर हमें भेजना है तो हम उसके थ्रू इजीली भेज सकते हैं और वो लोग वहाँ से रिसीव कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कैन हार्डली बी ओवर एस्टिमेटेड.
कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज टीवी रेडियो फिक्स एंड मोबाइल टेलीफोन्स आर इसेंशियल इन मॉडर्न सोसाइटी। अब आजकल के टाइम में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन करने का जो टीवी रेडियो जो कुछ हैं जैसे कि फिक्स कुछ फ़ोन्स वगैरह भी होते थे पहले, टेलीफोन्स वगैरह हुआ करते थे, तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि अब बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो गई हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड द फेस ऑफ द डिजास्टर ऑफ एन डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। आपके आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में आपने चेंज किया होगा कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के इज बीन इंक्रीजली रिकॉग्नाइज, जो कि आप देख रहे होंगे कि पहले फ़ोन हुआ करते थे जो कि फिक्स हुआ करते थे, बाद में आपके सेल फोन्स आ गए जो कि आप एक जगह से दूसरे कहीं पर भी फ़ोन कर सकते हैं, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं उसको लेकर, एंड यू कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली। A number of countries have set up a disaster management information system according to their own needs. अब क्या है कि number of countries, अब जितने भी हमारे जो countries हैं वो भी अपना कुछ भी कोई भी information easily अपना एक दूसरे को भेज सकती हैं किसी भी तरह के प्रकार की ज़रूरत के लिए। A good communication system can help in averting and reducing the impact of disaster. अब ये है कि गुड कम्युनिकेशन, अगर बात अच्छी बातचीत अगर हमें कम्युनिकेशन रहेगा आपस में तो एक अच्छा सिस्टम बन सकता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टाइप का कोई डिज़ास्टर या उसको उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। सो दिस इज़ अ चैप्टर हियर, इट्स कंप्लीटेड। ओके देन बेटा, बाय बाय, टेक केयर।